साल 2004 में एक मूवी आई थी खाकी, जो कि इंडिया की इंटेंस कॉप ड्रामा मानी जाती है। वहां पर एक सीन था जहां पर अक्षय कुमार का किरदार शेखर अपने कमिश्नर के परिवार को शाहरुख खान की मूवी के प्रीमियर पर ले जाने की बात कहता है, और इशारे में इस बात का खुलासा करता है कि जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो भी पुलिस वालों के इशारों पर नाचते हैं, और जब जब पुलिस वालों को काम पड़ता है स्टार्स उनके घर पहुंच जाते हैं और उनके बच्चों को भी खुश करने के लिए उनकी मैरिज में नाचते हैं। ये बात शाहरुख खान के लिए भी कई बार खुलकर कही जा चुकी है। शाहरुख खान तो बदनाम है मैरिज में नाचने के लिए, पैसे लेकर दूसरों के इवेंट को ग्रेस करने के लिए, और कई बार तो स्टेज शो के बहाने बहुत ही पर्सनल मोमेंट में भी वो पब्लिक को कॉर्पोरेट्स को एंटरटेन करते हैं। इस बात के लिए उनको भांड और बहुत हद तक किराए की नचनिया कहा जाता है। सनी देओल, अजय देवगन तो इशारे में उसको टारगेट कर भी चुके हैं, लेकिन शाहरुख खान को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनको पता है पैसा कहाँ से आता है, बिजनेस कैसे होता है। बहरहाल बात चलती है जब पुलिस वालों की और बॉलीवुड एक्टर की, तब एक इवेंट का नाम याद आता है जिसका नाम है उमंग, जो कि हर साल मुंबई में होता है, मुंबई पुलिस को काफी हद तक ट्रिब्यूट करने या फिर कह लीजिए उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। और एक ऐसा इवेंट है जहां मुंबई पुलिस की पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, और इसको पूरा एंटरटेनिंग बनाने के लिए बड़े बड़े स्टार स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हैं। ये अवार्ड शो काफी सालों से हो रहा है, 90s से हो रहा है, और पूरा बॉलीवुड इस अवार्ड शो में पार्टिसिपेट करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप सोचेंगे आईफा में, फिल्म फेयर में बड़े बड़े स्टार सलमान खान जैसे मोटा मोटा पैसा वसूलते हैं तो उमंग में फ्री में क्यों नाचते हैं? तो भैया सीधा सा मामला है, पुलिस वाले पैसे खाते हैं, पैसे देते नहीं हैं। और यहाँ पर सलमान खान हो चाहे शाहरुख खान हो चाहे अक्षय कुमार हो, पुलिस वालों से पैसा ले कैसे सकते हैं? हाँ, कभी लाइफ में कोई केस फंस गया, कोई फेवर चाहिए होता, तब पुलिस वाले उनकी हेल्प करते हैं, और कई बार तो पुलिस वालों के साथ रोल की तैयारी करने में एक्टर्स का बॉलीवुड की पुलिस वालों के साथ अच्छी गठबंधन देखी जाती है। तो जब उमंग होता है तब स्टार्स कई बार पुलिस वालों के साथ भी नाचते हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान तो कई बार फीमेल कॉप के साथ बहुत खुलकर नाचते हैं। हालांकि ये बात कई बार प्रोटोकॉल से बाहर जाती है, और कहा जाता है कि जब यूनिफॉर्म में होती है पुलिस तब उसको किसी भी तरह की एंटरटेनिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन उमंग उनका पर्सनल फेस्टिवल है और वहाँ पर कई बार ऐसी फीमेल कॉप होती हैं, हवलदार होती हैं, जो बड़े बड़े स्टार को देखकर अपनी वर्दी की धमक भूल जाती हैं और कई बार हीरोइनों की तरह नाचने लगती हैं। जैसे कि आपने कई अवार्ड शो में उमंग के देखा होगा जहाँ पर बकायदा शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, फीमेल कॉप के साथ नाचते हैं। कई बार तो ये फीमेल कॉप एक्ट्रेस बनकर आती हैं, कई बार रियल फीमेल कॉप के साथ नाचते हैं। अब मैन इन यूनिफॉर्म के साथ नाचना तो बॉलीवुड स्टार्स के लिए प्राउड की बात है, लेकिन जब कोई स्टार किसी पुलिस वाले के साथ नाचता है तो कई बार लोग उसको ट्रोल भी करते हैं और कहते हैं कि पुलिस वाली फीमेल लेडीज को बॉलीवुड के भांड स्टारों के साथ नहीं नाचना चाहिए, बिकॉज यूनिफॉर्म की एक गरिमा होती है और उस गरिमा को गंदा करना पुलिस वालों को अच्छा शोभा नहीं देता। बहरहाल बात इतनी सी है कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं और उनको भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई मोमेंट स्टेज चाहिए होता है, और ये उन्हीं स्टेज की तस्वीरें हैं जिसको सोशल मीडिया पर लोग डिफरेंट तरीके से अप्रोच करके ट्रोल कर रहे हैं, जबकि ये आम तस्वीरें हैं, यहाँ कंट्रोवर्शियल कुछ भी नहीं है।